ईव टीजिंग के आरोप में ससुराल ले जा सकती हूँ। ससुराल गेंदा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हें जानकर क्या करूँ, अगर तुम कोई बड़े ऑफिसर भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में पाप ना हो तो देखने में बुराई क्या है? क्या कहा? कल भी मैं तुम्हें देख रहा था। घर में माँ बहन नहीं है क्या? धीरे धीरे हौले हौले मेरा देखना घूरने में बदल गया। अच्छा, क्या धोया? ओह, कल जब तुम गुंडों की धुलाई कर रही थी तब एक गधा पीछे से आया, तुमने उसे देखा तक नहीं पर हाथ पीछे करके उसे उठा के क्या जोर से 50 रियर्सल किए थे। उस गुंडे का जो सर फूटा ना, दैट वाज रियली ब्रिलियंट। अच्छा बेटा, ट्रूली ट्रूली इंप्रेस मी। मेरी हालत ऐसी है जैसे बेगानी शादी। रियली ब्रिलियंट। पर मैं ये बात करने नहीं आया। कल सुबह मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, कार से उतरी तो थोड़ा और गौर से देखा, आज फिर हमारी यहाँ मुलाकात हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार देखा ना, कल आज की देखा देखी में मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे लगता है एक अनजानी सी शक्ति हमें एक दूसरे के पास ला रही है, इसीलिए टकरा रहे हैं। मधुमति, इस फैन की एक छोटी सी विश है। वो क्या? आपके साथ एक रोज। एक रोज? एक साथ। एक साथ तुम्हारे पास। मेरे पास? बैठ कर एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीनी है, स्ट्रॉन्ग। बेड़ा गर्क। कॉफी? यस, कॉफी। बाय द वे, तुम किस थाने में तैनात हो? सिंघम चौकी। पता है, थाने में मेरी बहुत चलती। पब्लिक प्लेस में सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट वाले मुझे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं, यू सी। दैट्स गुड। तुम्हारी तो तारीफ हो गई, मेरे बारे में नहीं जानना? मैं क्यों जानूं कि तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में मेरे को जानने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हमेशा उन चार लोगों के बारे में सोचती हूँ। कौन है वो? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। वो कौन? रम्या, सौम्या, कालिया, बालिया। ये चारों सुबह थाने आए थे कंप्लेंट लॉज करने, और उनकी कंप्लेंट ये है कि वो शादी नहीं करना चाहते और उन पर जबरदस्ती की जा रही है। मेरे लिए ये केस इम्पोर्टेंट है, ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि पीएम को क्या चाहिए, सीएम को क्या चाहिए, अब या फिर तुम्हें क्या चाहिए। या ट्रू ट्रू, या गुड, दैट्स रियली गुड। तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है। वेरी इम्प्रेसिव, दैट्स रियली गुड। वेटर। यस मैम। बिल प्लीज। ओके मैम। बिल मैं भरूंगा, वेट। फोन। श्योर। हेलो शीला। तुझे मेरा एड्रेस चाहिए? हाँ लिख ले, लिख लेना, अच्छे से नोट कर ले। नंबर 18 प्रगति नगर, कपूर बस्ती, याद रहेगा ना? नहीं, मैं दिन में बाहर हूँ, रात को 8 बजे के बाद घर पे रहूंगी। हाँ हाँ, या मुझे गुंडों को पकड़ना है। थैंक्स फॉर द कॉफी। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। यू टू। अरे कपूर बस्ती। ये तुम वहाँ भूल गई थी, इसलिए देने आ गया। करचीफ। तुम इसे वहाँ रेस्टोरेंट में भूल गई थी इसलिए। इतनी रात को देने आए, कल भी तो दे सकते थे। वो क्या है, जब किसी की कोई चीज मेरे नजरों के सामने खो जाए तो उसे लौटाए बिना मुझे नींद नहीं आती। रहा नहीं गया इसलिए देने चला आया। ओह, सिर्फ रुमाल ही देने आए हो? हाँ। ओह हाँ।
ओके 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 हेलो जी, आखिर माजरा क्या है? वो लवशाव, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? नो 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 नो, यहाँ मैटर थोड़ा अलग है। यहाँ बात आती है सिंसेरिटी की, क्योंकि मैंने पुलिस ऑफिसर बनकर देश के लोगों की सेवा करने की कसम खाई है। ये सब तो मेरे डायलॉग्स हैं। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं? हाँ? तो क्या तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं करोगी? I might fall in love, पर लड़का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तुम्हें कोई अपने जैसा पुलिस वाला मिल जाए तो क्या तुम उससे शादी करोगी? या why not? See you tomorrow. हाँ हाँ आने दो, रेडी हूँ। करमवीर प्रताप। ओह, ड्यूटी वाली ब्यूटी। सालों पहले हमारे स्टेट का सलीम नाम का एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर आज दुनिया में बिजनेसमैन अल सलीम के नाम से मशहूर है। सलीम ने अपना सफर छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में शुरू किया था, पर 25 सालों में वो दुनिया के नंबर वन बिजनेसमैन बन गए हैं। 8 सालों बाद वो अपने देश लौटे हैं। अगर अल सलीम जी हमारी मदद ना करें तो मैं कुछ नहीं और हमारी पार्टी भी कुछ नहीं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर भारत आज तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ अल सलीम जी की वजह से। उनके बिजनेस में पार्टनर बनना ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का कारण वही है। सर। यस। इंस्पेक्टर मधुमति आई है। या, आई विल बी देयर। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। किसे ढूंढ रहे हैं सर? इंस्पेक्टर मधुमति को। मैं ही तो हूँ। क्या? हाँ, इंस्पेक्टर मधुमति की बात कर रहा हूँ। वही तो हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंगम थाने में तैनात इंस्पेक्टर मधुमति की। हमारे पूरे स्टेट में सिर्फ एक ही कपूर बस्ती है, उस एक कपूर बस्ती में भी सिर्फ एक ही सिंगम थाना है। उस एक लौते पुलिस स्टेशन में मधुमति नाम की एक लौती कुंवारी मैं ही हूँ सर। हाँ, कोई और मधुमति है जिसका ट्रांसफर पिछले हफ्ते हुआ है? इस भारत देश में हमारा ये एक ही शहर है और हमारे इस शहर में ये एक ही कपूर बस्ती है और उसी एक लौती कपूर बस्ती में एक लौता सिंगम थाना है और उस एक लौते पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स की पुंगी बजाने वाली इंस्पेक्टर मधुमति मैं ही हूँ। 100% श्योर हो? हाँ। हीरो आ गया, हीरोइन रेडी है कि नहीं? जाओ जाओ। लाइट्स कैमरा, चलो पकड़ो 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 जल्दी। एक्शन। कहाँ छुपा रखा है? बता अग्रवाल साहब के कुत्ते के गली का पट्टा कहाँ छुपा कर रखा है तूने? मैंने बेच दिया। अच्छा? सॉरी। किसे दिया? जाने वाले को। मधु। दिस इज नो टाइम टू लव, दिस इज टाइम टू वर्क, डोंट डिस्टर्ब मी। या हैं? हाँ? तुम्हारे पास सीएम और पीएम के लिए भी टाइम कहाँ? शायद भंडा फूट गया। क्या? मारो मारो। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मधुमति, इंस्पेक्टर मधुमति। बताए बताए। जानता है मेरा बाप कौन है? हौलदार है। GIG है मेरे पापा। अच्छा? हाँ। मुझे नहीं बताया? मौका ही नहीं मिला ना। हाँ, आज मौका है। मैं तुम्हारी इस केस में मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम इनके हाथों मार खाओगे या मेरे हाथों मरोगे? तुम मारोगे तो बॉडी में दर्द होगा और ये मारेगी तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। नो 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 नो, दिस इज माय केस, मैं अपने स्टाइल से ही सॉल्व करूंगी। तुम बीच में मत आओ। ओके 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 ओके, मुझे मारना छोड़ो। ये पुलिस सायरन तुमने कहां से भाड़े पे लिया? चोर बाजार सुपरमार्केट से। वो क्या है ना, मैंने डिपार्टमेंट वालों से कहा कि नया सायरन ला दो, पुरानी की बैटरी चली गई है। अरे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो ना। मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है इंस्पेक्टर मधुमति। यस सर। मेरी बहन तुम यहाँ? क्या कहा, तुम क्या मेरे भाई हो? क्या तुम्हारे और मेरे बाप अलग अलग है? हाँ अलग है। इतने दिनों से मैं परेशान थी कि मेरे दूसरे बैच और बेल्ट को आखिर आसमान निगल गया या जमीन खा गई, पर वो तो तुमने चुराए थे। चोर, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए वो, हाँ
ये तेरी जोड़ीदार है? ये अच्छी लड़की है बहन, प्यार वाला मामला। अच्छी लड़की है। ये धांधली क्यों की रे तूने? वो क्या है ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। इन्होंने कहा ये सिर्फ किसी पुलिस वाली से ही प्यार कर रही है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आइए आइए अंदर आ जाइए। अरे अरे तुम यहाँ कैसे आई? टेंशन मत लो। तुम्हारी बेल किसने करवाई? फिश करी है, चिकन करी है, धनिया मार के रेडी है पतिदेव। पतिदेव? कौन पतिदेव? सासू माँ। अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ बहू? सासू माँ, इन्होंने मुझे बहू बना लिया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माँ ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जानती हूँ। ये धोखेबाज है। नहीं बेटा, इसने तुमसे जरूर झूठ बोला, पर इसके प्यार में बिल्कुल भी खोट नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही प्यार ये तुमसे करती है। अच्छा बताओ मेरा बेटा कितना महंगा पड़ा तुम्हें? पूरे 50,40,000। हाथ हटा। डांट मत उसे। ओके ओके, यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। ओके 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 ओके। सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ओके 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 ओके। हर बात के लिए ओके ओके कहने की जरूरत नहीं है। ओके और करमवीर की स्पेशल टीम बनाने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन से मायूस होकर नहीं लौटता। आज जनता के साथ पुलिस वालों का रिश्ता सुधरता जा रहा है। She's on main screen, sir. Let me see. Hello. मेरी एक कंप्लेन है, मेरा बेटा पुलिस में था लेकिन अब वो गायब है। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी लिखाई थी लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। सॉरी सर, मेंटल पेशेंट है। सॉरी। चलो यहाँ से। तुम्हें शायद मैं पागल लग रही हूँ। नहीं बेटा, मैं खुद को जिंदा रखने के लिए पागलपन का नाटक कर रही हूँ ताकि वो लोग मुझे मार ना डालें। शायद अपने बेटे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए आज तक जिंदा हूँ। बेटा मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ कर ला सकते हो? जब कोई खो जाता है तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाते हैं। मेरा बेटा तो खुद पुलिस ऑफिसर था, मैंने तो पुलिस वालों से पुलिस ऑफिसर के खोने की रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक माँ का दर्द उन्हें नहीं दिखाई दिया बेटा, इसमें जरूर कोई साजिश है। अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना गुनाह है, अपने बेटे को एक ईमानदार और मेहनती पुलिस ऑफिसर बनाना गुनाह है। वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी सलामती की दुआ मैं सुबह शाम मांगती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। जैसे हम कुछ पैसे डोनेशन बॉक्स में डालकर भगवान को अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे ही फोन बॉक्स में 1 रुपया डालकर तुम्हें अपनी तकलीफ बताते हैं ताकि भगवान की तरह तुम पुलिस वाले भी हमारी मदद कर सको। तुम्हारे आगे अपनी झोली फैलाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। कौन सजा देगा? चुपचाप सर्वनाश होते देखोगे? माँ जी, कंप्लेंट आपने किस थाने में करवाई है? इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है, उसका क्या हुआ? बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि उनका बेटा लापता है, बहुत ढूंढा, मिला नहीं, केस डिसमिस। इंस्पेक्टर हुसैन की अम्मी ने कंप्लेंट की थी कि आप जितनी बार सवाल पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। मुझे जवाब नहीं सुनना, सच सुनना है। कुछ लोग ढूंढ कर कहते हैं कुछ नहीं मिला, कुछ ढूंढते नहीं और कहते हैं उन्होंने ढूंढा। मैं बकवास सुनने नहीं आया। खिलौना नहीं, एक पुलिस वाला गायब हुआ है। पुलिस तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, हमारे जैसा पुलिस। चंद पैसों की लालच में तुमने केस बंद कर दिया। बहुत हुआ। हां यह बात सच है कि मैंने केस बंद किया,
लेकिन पैसों की वजह से नहीं, प्रेशर की वजह से। उनकी एक फूटी कौड़ी भी मैंने नहीं ली। भले ही मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर ना हूं, पर मुझे गर्व है कि ईमानदार जरूर हूं। हमारा ऑफिसर कहां गायब हो गया कोई नहीं जानता, और इस केस में उलझकर मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं करूंगा। डरता हूं मौत से। डर? मौत से डर लगता है? अपने आप से पूछो, क्या तुम जिंदा हो? इंसान चलता फिरता है, खाता पीता है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा है। मौत के खौफ के बगैर जो जिंदगी जीता है वही सच्चा सिपाही कहलाता है। मरना तो सभी को है कभी ना कभी, लेकिन कायर की तरह जीकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज देंगे? पुलिस ऑफिसर बनकर जब जब आप अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो किसी और से भी अपनी बेटियों के लिए इंसाफ की उम्मीद मत करना। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। ऐसा काम ना करो कि नर्क भी नसीब ना हो। हुसैन की फाइल रीओपन करो। नो, डोंट डू इट। मेरी बात मानिए, प्लीज प्लीज। हुसैन के फोन पे लास्ट कॉल किसका आया था? इस केस को भूलने में ही सबकी भलाई है। गायब होने से पहले हुसैन किससे मिलने गया था? अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं सर? फोन नंबर नोट करो और एड्रेस निकालो। मौत को चुनौती मत दीजिए। ये केस आपके पास था, आप इसे हैंडल करेंगे। नो नो, आई कांट डू इट। करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। अगर जहन में आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। जहन में ठान लो तो पहाड़ों के बीच रास्ता बन सकता है। जहन में सच्चाई हो तो चाय वाला पीएम बन सकता है। और अगर जहन में अटूट विश्वास हो तो हम मौत को भी मात दे सकते हैं। कल से इंक्वायरी शुरू करनी है।